कि भाई बीलिया निवासी भेरूलाल गुजर और चार युवक जो गुजर समाज के थे वो हिंदुस्तान जिंक के पास आज से एक महीने पहले हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ उन्होंने एक ज्ञापन दिया था शांतिपूर्ण तरीके से कि भाई हमारे मोदी जी का जो मिशन है 75% लोगों को रोजगार दिया जाए क्षेत्रीय लोगों को और ये इसकी खान की वजह से जो लोगों को परेशानियां हो रही उसके एक महीने पहले इन लोगों ने ज्ञापन दिया था। तो इस ज्ञापन को लेकर वहां का जो मैनेजर है निशान और एक और दूसरा सुलझन साहब उन लोगों ने आज हमारे गुजर समाज के व्यक्ति सावरा बिलिया निवासी भेरूलाल गुजर के ऊपर पीछे गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या कर दी। उसकी बॉडी अभी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। ना हमारे कोई प्रशासन सुन रहा है, ना शासन सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है, ना जिंक वाले सुन रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, एक ही निवेदन है कि उस मैनेजर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए, तब जाके हम उसकी लाश को उठाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे। मेरा आप सब लोगों से एक ही निवेदन है, सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है सुबह 10 बजे गुजर छात्रावास राजीव गांधी ऑडिटोरियम में पहुंचे, वहां समाज का एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी और उसी समाज के छात्रावास के सामने राजीव गांधी ऑडिटोरियम में सुबह राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत पधार रहे हैं। उस भाई आगे लोकल प्रशासन हमारी सोच या राजस्थान का मुख्यमंत्री जी होने के नाते हम सब लोग समाज के लोग हजारों की संख्या में उनसे मिलेंगे और अपनी मांग रखेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जो हिंदुस्तान जिंक आगुचा उन लोगों ने तनाव और ये निर्दयता पूर्वक जो हमारे भेरूलाल की हत्या की उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको गिरफ्तार करने के बाद ही लाल उठाई जाएगी, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।